आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा कतल मामले नू मोहाली तो दिल्ली कोर्ट विच तब्दील करन संबंधी मोहाली स्थित एनआईए दी अदालत विच अर्जी दायर की गई। मोहाली स्थित एनआईए दी अदालत ने मामले दी अगली सुनवाई 25 नवंबर नू निर्धारित की है। इस तो अलावा एनआईए दी अदालत ने हिंदू नेतावां दी टारगेट किलिंग दे एक होर मामले दे विच करीब 11 आरोपियों के खिलाफ 15 नवंबर नू अदालत दे विच दायर की गई चार्जशीट दीआं कापियां भी मंगियां ने। एनआईए दे सरकारी वकील सुरेंद्र पाल सिंह ने इस मामले बारे जानकारी दी। मोहाली तो जतेंद्र सबरवाल की रिपोर्ट। अज टोटल 3 केस लगे हुए थे नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, जिन्हें कि टारगेट किलिंग का ब्रिगेडियर गंगनेजा के मर्डर रिलेटेड, और इस केस के अंदर ऑलरेडी टारगेट किलिंग के जिन्हें भी एक्यूज से हरदीप सिंह, रमनदीप सिंह वगैरह 6 केस ऑलरेडी टारगेट किलिंग्स के दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ट्रांसफर हो चुके, और इन 6 केसों के अंदर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ट्रायल स्टार्ट है। और जिहड़ा इत्थे ब्रिगेडियर गंगनेजा का केस सी, उह सीबीआई ने अर्लीअर इस नूं इन्वेस्टिगेट किया, और बाद च इह केस ट्रांसफर होकर नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस नूं इन्वेस्टिगेट किया, और इस दे विच सेम सैट ऑफ अक्यूज परसनस नूं ही चार्जशीट किया गया, जिहड़े कि ऑलरेडी पहला भी चार्जशीटिड सी। गंगनेजा दे केस दे अंदर चार्जशीट ऑलरेडी अज तों इक हफ्ता पहला पेश की गई है, और अज उस दे विच कॉपीज प्रोवाइड की गई ने, और जज साहब ने डायरेक्शन किया है कि इस केस नूं बाकी केसां दी तरह SLP फाइल करके ट्रांसफर करवाया जाए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट।